अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप लोग जो कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह सारी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देख लें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। अच्छा, इसके अलावा ये कि कैडेट कॉलेज की आप जो है टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग हमारी ऑनलाइन सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। सबसे अगर कोविड का इशू ना हो तो आप लोग जो हमारे ऑन कैंपस क्लासेस भी अवेल कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अभी कोविड की सेकेंड लेयर की वजह से, जो वेव की वजह से, मतलब ऑन कैंपस क्लासेस तो ऑफ हैं और ऑनलाइन क्लासेस आप लोग अवेल कर सकते हैं। अच्छा, तो चलिए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि 7 स्टेप्स बताए गए हैं कि आपने क्या क्या करना है कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, मतलब हर कैडेट का अलग अलग तरीक़ाकार। अब इनका सिस्टम ऑलमोस्ट जो है ऑनलाइन है, तो अब देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया। 7 स्टेप्स है टोटल। फर्स्ट स्टेप आपने क्रिएट अकाउंट करना होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर सेकेंड जो स्टेप है वो आपने ईमेल वेरीफाई करनी है। थर्ड स्टेप आपने लॉगिन करना है वहाँ पे। फिर फोर्थ स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने अपनी पुट करनी होगी वहाँ पे। सेकंड मतलब फाइव स्टेप जो है, फिफ्थ प्रिंट चालान फॉर्म, जो चालान फॉर्म है वो आपने बैंक वगैरह में जमा कराना होगा। सेकंड मतलब सिक्स जो है वो आपके अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मैं इंशाल्लाह अभी आगे बताऊँगा चल के, वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। स्टेप सेवन सबमिट कर दें, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। तो लेट्स सी, सबसे पहला स्टेप है साइन अप है, आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे एंड पे, आपको इस तरह से एक वो मिलेगा। तो आपने जो है यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा, क्योंकि आप न्यू यूज़र हैं। क्रिएट एन अकाउंट पे आपने क्लिक करना है, तो आप अपना नेम, फुल नेम आपने डालना है, ईमेल आपने डालनी है, पासवर्ड डालना है और मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया। इसके बाद जो है ईमेल वेरीफिकेशन है, आपका एक ईमेल आएगी कैडेट कॉलेज की तरफ से एडमिशन रजिस्ट्रेशन CCH के नाम पे, सही है। इसके बाद जो है आपने लॉगिन करना होगा अपना जो भी आपने वहाँ पे डाला हुआ है डेटा। अच्छा, इसके बाद जो है आपने डॉक्यूमेंट्स जो है लॉगिन करके अपलोड करने हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डाउनलोड चालान फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपने वो करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या पूछता है आपसे, कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, गार्डियन नेम है, क्या बिजनेस है या जॉब है, फादर की ऑक्यूपेशन उसके बारे में पूछा जाता है, जॉब वगैरह की प्रोफेशन। फिर जो है एनुअल इनकम के बारे में भी पूछा जाता है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, इसमें आपने सारा कुछ मेंशन करना है कि आपके फादर की कितनी इनकम है एनुअल, एक साल की कितने लाख कमाते हैं, तो ये जितने लाखों या करोड़ों जितने भी फिगर है वो आपने यहाँ पे एग्जैक्ट लिखना होगा। फिर जो है रिलीजन के बारे में पूछते हैं कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मैंशन करना है यहाँ पे। फिर जो है ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपने यहाँ पे मैंशन करना होगा। पोस्टल एड्रेस क्या है आपका, वो आपने इसलिए लिखना होगा कि अगर आपको रोल नंबर वगैरह इशू होता है तो वो आपके इस पोस्टल एड्रेस पे आएगा। इसके अलावा परमानेंट एड्रेस है तो उसके बारे में भी आपने यहाँ पे सारी डिटेल सही सही से डालनी है। फिर फ़ोन नंबर है वो आपने लिखना होगा, ऑफिस का है, बाबा के ऑफिस वगैरह का आप लिख दें या गार्डियन जो भी है। मोबाइल नंबर्स आपने दो लिखने होंगे यहाँ पे। फिर फादर वैलिड ईमेल एड्रेस या गार्डियन का आपने लिखना होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको ईमेल आ सकती हैं। चॉइस ऑफ ग्रुप है वो आपने एड का है जो भी है, मतलब वो आपने उस हिसाब से सेलेक्ट करना है। और एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आपने डिसाइड करना है, जो जो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे ऑनलाइन आपने वो करना है। फिर चालान फॉर्म है वो इस तरह से आपको नज़र आए, क्लिक हेयर टू जनरेट चालान फॉर्म, चालान फॉर्म आपने जनरेट करना है और डाउनलोड करना है। फिर स्कूल वेरीफिकेशन फॉर्म है वो भी आपने डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्या है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है वो आपने करना होगा, और JPG फाइल होनी चाहिए फॉर्मेट की, सही है, मतलब तस्वीर की इसमें होनी चाहिए फॉर्मेट में। अच्छा, इसके बाद जो है CNIC है वो भी आपको जो है फाइल इज सपोर्टेड, मतलब 2 MB तक कह रहे कि मैक्सिमम होनी चाहिए, वो भी JPG होने चाहिए। कैंडिडेट नादर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र है, एज है, तो आप बेफॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट वो चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं रिसिप्ट, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्ट लिखा हुआ है नादरा का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बे है, बे फॉर्म जिसको हम बोलते हैं फॉर्म बे, वो आपने अपलोड करना है, वो भी JPG में होना चाहिए, मतलब सारे डॉक्यूमेंट JPG में हो, क्लियर आपने स्कैन किए हों। अच्छा, फिर रिसिप्ट ऑफ चालान फॉर्म है वो आपने करना है। इसके अलावा स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म है वो भी आपने JPG में इसको जो है प्रॉपर से स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने अंडरटेकिंग वगैरह क्लियर करके, आई एग्री वगैरह करके सबमिट क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो गया, मतलब ये टोटल इसका प्रोसेस है। अब ये अप्लाई ऑनलाइन का बटन जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास एक नवा पेज यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही ओपन हुआ है, तो अगर मैं एक नवा यूज़र हूँ तो मैं अपना जो है, अगर एक मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया तो फिर तो मैं इधर नेम, ईमेल और पासवर्ड डालूंगा तो डायरेक्ट लॉगिन होगा, लेकिन मैं एक नवा यूज़र हूँ
तो क्रिएट एन अकाउंट पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा। 8 क्लास है या 11 क्लास रजिस्ट्रेशन है तो आपने वो क्लास वगैरह सेलेक्ट करनी है, और इस तरह से आप आगे प्रोसीजर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए वैसे ही आपने फॉलो करना है। इसके अलावा आप लोग कैडेट कॉलेज की जो है तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन तो भी आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं टेस्ट के हवाले से। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर कोविड का इशू ना हो तो आप ऑन कैंपस क्लासेस भी हमसे अवेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हम बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं इस तरह से और वीडियोज़ भी लाता रहूँगा, और पेड सर्विसेज के लिए आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और इस तरह से हम CSS, PMS अदर कोर्सेज की भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं, हमारे साथ CSS क्वालिफाइड स्टाफ भी है, और इसके अलावा भी हम अदर शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं DIT, CIT और इस तरह से जो है काफ़ी कोर्सेज हम करवाते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के लिए भी। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.